एक युवक के साथ पुरानी रंजिश को लेकर कुछ युवकों ने की मारपीट। नमस्कार, आप देख रहे हैं हापुड़ हलचल और मैं हूं आपके साथ रश्मि पांडे। पूरी खबर आपको दिखाएंगे, लेकिन अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना न भूले। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ के थाना देहात क्षेत्र में ग्राम सलाई में एक युवक के साथ पुरानी रंजिश को लेकर कुछ युवकों ने मारपीट कर दी। इस बीच पुत्र की आवाज सुनकर उनके पिता दौड़े तो आरोपियों ने उन पर भी फायर झोंक दिया। आरोपियों ने घर में घुसकर सामान भी तोड़ दिया। मामले की शिकायत पुलिस से की गई है। पुलिस ने चार भाइयों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। दो आरोपियों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। जानकारी के अनुसार गांव सलाई निवासी साबिर देर रात नमाज पढ़कर लौट रहा था, तभी रास्ते में उसे चार भाइयों ने रोक लिया। चारों ने मिलकर उसके साथ पुरानी रंजिश को लेकर मारपीट करनी शुरू कर दी। आरोपियों ने उसे जमकर पीटा। शोर शराबा सुनकर पीड़ित के पिता बचाने के लिए दौड़े। इस पर आरोपियों ने उन पर भी फायर झोंक दिया, जिसमें वो बाल बाल बच गए। इसके बाद आरोपी पीड़ित के घर में घुस आए। आरोपियों ने घर में रखा सामान भी तोड़ दिया। मामले की शिकायत पुलिस से की गई है। पुलिस ने चार आरोपी राशिद, आमिर, खालिद व शाहनवाज के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस मामला दर्ज कर जांच पड़ताल में जुट गई है। साथ ही राशिद व आमिर को गिरफ्तार कर लिया गया। कोतवाली प्रभारी विनोद पांडे ने बताया कि चारों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। दो आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। जल्द ही फरार आरोपियों को भी पकड़ लिया जाएगा। बहरहाल इस खबर को लेकर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट में जरूर बताएं, और ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहें हापुड़ हलचल।